हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। लालच अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान अपना विवेक और सच समझने की क्षमता नष्ट कर ही देता है। आज इसी पे बेस 2023 की इंडियन तेलुगु मूवी तांत्रिम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिवकाशी देखने वाले हैं। इसे डायरेक्ट किया था मुत्याला मेहर दीपक ने। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें। सो विदाउट फर्दर डू, अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देवताओं का किस्सा सुनते हैं, जो कि सनातन धर्म में काफी फेमस है। वो ये कि समुद्र मंथन के समय जब विष्णु देव ने मोहिनी का अवतार लिया था, तब काफी सारे दैत्य और देवता उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनसे भी सुंदर स्त्री का निर्माण करते हैं, जिसका नाम अहिल्या था। वो अहिल्या की शिक्षा के लिए ऋषि गौतम को सौंपते हैं। समय इस तरह बीतता है और अहिल्या भी शादी की उम्र में आ चुकी थी। तब ब्रह्मा जी ने उनकी शादी ऋषि गौतम से करवाते हैं, क्योंकि उनके अलावा अहिल्या की रक्षा कोई भी और अच्छे से नहीं कर पाएगा। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि सभी दैत्य और देवता उसे पाना चाहते थे, पर सिर्फ इंद्रदेव ही थे जो ऐसा कर पाते। इंद्रदेव ऋषि गौतम का रूप धारण करके असली ऋषि गौतम के अनुपस्थिति में उनके साथ इंटीमेट कर देते हैं, और वहाँ से जाने वाले रहते ही हैं कि ऋषि गौतम उन्हें देखते हैं और इस अपराध पे उन्हें श्राप दे देते हैं। साथ ही वो अहिल्या को भी श्राप देते हैं कि वो पत्थर की बन जाएंगे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की स्पर्श पहचान नहीं पाई थी। उसी से रिलेटेड घटना की स्टोरी हमें अजय की तरफ से सुनने मिलती है। अजय हैदराबाद में काम कर रहा था और वेकेशन में अपने विलेज आया हुआ था, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ नाइट में अल्कोहल पार्टी डिसाइड करता है। अजय और उसके दोस्त एक सुनसान एरिया में बैठते हैं, जहां अपने दोस्तों के कहने पर अजय उसी के गांव का एक स्टोरी बताता है। और स्टोरी बताने से पहले वो जिन के बारे में भी बताता है, जो कि उसके कहानी में अवेलेबल था। अजय बताता है कि जिन भगवान नहीं बनाया है, लेकिन वो इंसानों से काफी ताकतवर थे, क्योंकि वो इंसानों को देख सकते थे लेकिन इंसान उसे नहीं देख सकते। अगर कोई भी इंसान अकेला रहता है तब ये उनका फायदा उठाते हैं, और अगर वो इंसान उसकी बात सुन लिया तो वो जिन के जाल में फंस जाता है। साथ ही जिन कोई भी रूप ले सकता था, इसलिए भगवान उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। वो ये कि जिन कभी भी किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। सभी जिन इन रूल्स को फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे जिन भी थे जो ये फॉलो नहीं करते और रूल तोड़ देते हैं। खैर, अजय कहानी बताता है। उसके गांव में एक फायरवर्क्स की फैक्ट्री थी, जिसका नाम था आदि लक्ष्मी, और उसका मालिक था आदिबल, जो कि अपने अंधेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, क्योंकि फायरवर्क्स की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज कम था। एक दिन अधिबन अपने काम में बिजी थे कि उनकी एक एम्प्लॉय अधिबन के बेटे बालचंद्रन को लेके आती है, क्योंकि बालचंद्रन उनसे मिलना चाहता था। अधिबन बाहर जाता है और बालचंद्रन उन्हें एक चिट्ठी देता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। ये पढ़कर अधिबन दुखी हो जाते हैं और उनका बेटा उनसे हक कर लेता है। साथ ही ये खबर सबको पता चल जाती है। समय बीता और बालचंद्रन अपने फादर की हेल्प करता है फैक्ट्री में एंड अपनी माँ को भूल जाता है। रही बात अधिबन की, तो वो अपनी पत्नी को भुलाने के लिए विलेज के बाहर एक घर बनाते हैं एंड एक औरत के साथ रहते हैं, क्योंकि गांव में एक रूल था कि कोई भी आदमी दूसरी शादी तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी वाइफ मर नहीं जाती। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसे गांव के बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह साल गुजरता है और हम आते हैं 1989 में, जब बालचंद्रन पूरा फैक्ट्री का ध्यान रखते था एंड उसके फादर अधिबन गांव के बाहर उसी घर में रहते थे। बालचंद्रन बड़ा तो हो गया था, स्टिल वो अपनी मॉम को भुला नहीं पाता और उनपे गुस्सा भी रहता है। इसलिए उनकी फैक्ट्री में जब भी किसी फीमेल एम्प्लॉय की शादी रहती है तो वो उनके स्वीट्स नहीं लेता था, प्लस वो उनकी शादी में भी नहीं जाता था। खैर, बालचंद्रन शादी नहीं करना चाहता था, बट स्टिल उसके फादर उसकी शादी करवाते हैं, क्योंकि गांव की सबसे सुंदर लड़की थी जिसका नाम अलागिनी था। बालचंद्रन अलागिनी को सॉरी मांगते हुए बोलता है कि उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। ये बोलकर बालचंद्रन तकिया लेकर बाहर जमीन में सो जाता है। रही बात अलागिनी की, तो वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। स्टिल वो अगले दिन बालचंद्रन से क्लोज होने की पूरी कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं था। इस तरह कुछ महीने पास हो जाते हैं और बालचंद्रन पहले से भी ज्यादा अकेला फील करने लगता है, प्लस फैक्ट्री के पीछे स्ट्रेस भी रहता है। फिर एक दिन बालचंद्रन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसे किसी एंटिटी की आवाज आती है, जो और कोई नहीं जिन था। जिन बोलता है कि अगर वो चाहे तो फैक्ट्री आगे बढ़ा सकता है, बट बालचंद्रन उसे देख नहीं पा रहा था, प्लस उस पे भरोसा भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो इन आवाजों को इग्नोर करता है। तभी जिन उसे बिलीव करवाने के लिए बालचंद्रन का राज बोलता है। वो ये कि जब वो यंग एज में था तब उसने फैक्ट्री से पैसा चुराया और इल्जाम दूसरे एम्प्लॉय पे डाल दिया, जिसके वजह से उसके फादर उस एम्प्लॉय को फैक्ट्री से बाहर कर दिए थे। इसके अलावा बालचंद्रन पैसा जुए में लगाता है, बट वो हार गया था। इतना बड़ा राज बालचंद्रन किसी को नहीं बताया था, इसलिए वो फैक्ट्री से निकलकर अपने फादर को इस बारे में बताता है, बट उसके फादर उस पे यकीन नहीं करते एंड उसे बोलते कि अगर वो फैक्ट्री नहीं संभाल पा रहा तो अब वो संभालेंगे। बालचंद्रन ये सुनके इरिटेट होता है एंड वहाँ से अपने घर आ जाता है और जिन की बातें सोचने लगता है।
इतने में अलागिनी, जो आज भी बालचंद्रन से क्लोज होना चाह रही थी, उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, बट वो उसे मना कर देता है ये बोलकर कि वो अपने फादर के यहाँ से खा लिया, जिससे अलागिनी अगेन दुखी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बालचंद्रन सो रहा होता है कि जिन उसे उठाने के लिए उसका चादर खींच लेता है। बालचंद्रन के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वो अगेन सोने लगता है कि अचानक उसे बुरा सपना आता है, जिससे वो डरकर चिल्ला के उठता है। अलागिनी आवाज सुनकर आती है और उसे पानी देते हुए उसका पसीना पोंछती है, जिससे बालचंद्रन उससे प्यार करने लगता है एंड दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बालचंद्रन अलागिनी से सॉरी बोलता है एंड रिवील करता है कि बचपन से उसे बुरे सपने आते थे, तब उसकी माँ उसे शांत कराती थी, लेकिन जब उसकी माँ उसे छोड़ दी थी तब उसे काफी डर लगता था, जो बड़े होकर गुस्से में बदल गया और वो गुस्सा अलागिनी पे निकला। इस पे अलागिनी कोई बात नहीं करके जवाब देती है। कुछ दिन पास होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बालचंद्रन अलागिनी के साथ ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करता है, साथ ही वो फीमेल एम्प्लॉय जिसकी शादी में वो नहीं गया था, बालचंद्रन अलागिनी के साथ उसके घर जाता है एंड उसे सॉरी बोलते हुए सारे गिफ्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बालचंद्रन फैक्ट्री में जाता है कि वन ऑफ द एम्प्लॉय लेंडर्स का लिस्ट देते हुए बोलता है कि उसके फादर क्रेडिट में सामान देते थे, इसलिए उसे भी ये चीज करना चाहिए ताकि फैक्ट्री ग्रो हो सके। इस पे बालचंद्रन मान जाता है और लिस्ट मंगवाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बालचंद्रन अपने काम में काफी बिजी रहता है कि वहाँ अलागिनी उसके लिए खाना लेके आती है। तभी जिन अलागिनी को देख लेता है और समझ जाता है कि अलागिनी बालचंद्रन की वाइफ है, इसलिए जिन उसे पाने के लिए जाल बिछाता है। खैर, इस बात से अनजान बालचंद्रन अलागिनी को छोड़कर वापस अपने काम में लगता है कि तभी जिन उसे मैनिपुलेट करने लगता है और उसे बोलता है कि वो चाहे तो अपनी फैक्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जिससे वो अपने डैड को ज्यादा कमा के दे सकता है। बदले में बस उसे बालचंद्रन की वाइफ का खून चाहिए रहता है। ये सुनकर बालचंद्रन नाराज होकर जाने लगता है कि अगेन जिन उसे सोचने पर मजबूर कर लेता है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि बालचंद्रन कुछ दिनों तक इस बारे में सोचता है एंड फाइनली वो अपने वाइफ को बेहोश करके उसका 2-3 बूंद खून ले लेता है एंड अपने ऑफिस में जाता है और जिन के कहने पर टेबल में खून की बूंदे डाल देता है एंड आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जिन खून की बूंदे चाट लेता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बालचंद्रन को अब बहुत तरक्की मिलेगी, प्लस अब वो तभी आएगा जब बालचंद्रन उसे बुलाएगा। जैसा जिन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। अगले दिन बालचंद्रन को काफी फायदा हुआ, सभी लोग उसकी फैक्ट्री से ही फायरवर्क्स लेते थे और धीरे धीरे बालचंद्रन एक और फैक्ट्री बनाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि अलागिनी और बालचंद्रन मंदिर वगैरह जाते हैं, जहां बालचंद्रन अलागिनी को प्रॉमिस करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल अलागिनी के फादर की तरह, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे। साथ ही बालचंद्रन अपने फादर से भी मिलता है, जहां अधिबन उसके तरीके से काफी खुश हो गए थे। एनीवे, दिवाली का समय आने वाला रहता है और बालचंद्रन का दूसरा फैक्ट्री भी तैयार हो चुका था, बट अब उसकी लालच बढ़ चुकी थी, वो 2 फैक्ट्री और बनाना चाहता था, इसलिए अगेन वो जिन को बुलाता है इस बात से अनजान कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जिन उसे मिलता है और बोलता है कि जो भी तुम चाहते हो वो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बट इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बट इस बार जिन अलागिनी का खून नहीं बल्कि अलागिनी को ही मांगता है। ये सुनकर बालचंद्रन एकदम शॉक हो जाता है और गुस्से में मना करता है एंड उसे जाने बोल देता है। इस पे जिन जवाब देता है कि वो बुलाने पे आएगा जरूर, बट अपनी मर्जी से जाएगा, प्लस अगर जिन चाहे तो उसे पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है। स्टिल बालचंद्रन नहीं मानता एंड वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक बालचंद्रन जिन को समझाने की कोशिश करता है, बट वो मानने को तैयार नहीं था। बालचंद्रन के मना करने पर जिन उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अगले दिन बालचंद्रन न्यूज़पेपर में देखता है, जहां उसे पता चलता है कि पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट फायरवर्क्स पे बैन लगा रही है। ये देखकर बालचंद्रन एकदम दुखी हो जाता है, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो वन ऑफ द एम्प्लॉय काशी को लेकर गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है, जहाँ एक ऑफिसर उसे बताते हैं कि बैन सच में लगा है और कब तक हटेगा ये तो नहीं पता, बट गवर्नमेंट में भी जल्द से जल्द इसे हटा देगी। साथ ही ऑफिसर बालचंद्रन को मोटिवेट भी कर देता है। खैर, बालचंद्रन न्यू प्रोडक्शन को रोककर बाकी फायरवर्क्स न्यू फैक्ट्री में शिफ्ट कर देता है। फिर एक रात बहुत तेज बारिश गिरता है एंड उसके अगले दिन काशी बालचंद्रन को, जो घर में सो रहा होता है, उसे बुलाता है और न्यू फैक्ट्री में कुछ इश्यू है बोल के लेके जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बालचंद्रन की न्यू फैक्ट्री की फिनिशिंग जल्दबाजी में अच्छे से नहीं हुई थी, जिसके चलते उसके पूरे फटाके खराब हो गए थे। ये देखकर बालचंद्रन एकदम दुखी हो जाता है एंड इसलिए वो तुरंत जिन से मिलता है और ये सब रोकने के लिए बोलता है, बट अगेन जिन उसे मैनिपुलेट करता है और बोलता है कि तुम अपनी वाइफ के लिए जान देने के लिए तैयार हो और वो तुम्हें धोखा दे रही है, जाके पूछो कि कैलाश कौन है। पहले तो बालचंद्रन जिन पे भरोसा नहीं करता, बस स्टिल उसके मन में शक बैठ जाता है। अगले कुछ दिनों में वो अलागिनी से कैलाश के बारे में पूछता है। अलागिनी शॉक होकर बोलती है कि वो और कैलाश आपस में प्यार करते थे, बट उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना था क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था और अब वो सिर्फ एक फ्रेंड्स है। सारी बातें सुनने के बाद बालचंद्रन अलागिनी पे भरोसा करता है एंड अगली सुबह वो अगेन फैक्ट्री में जाता है और जिन को बोलता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है, बट जिन हार नहीं मानता और उसे मैनिपुलेट करने के लिए विजन दिखाता है, जिसमें अलागिनी और कैलाश इंटीमेट होते हैं। ये सब देखकर बिना कुछ सोचे समझे बालचंद्रन अपने फादर के पास जाकर सारी बातें बता देता है। अधिबन बालचंद्रन की बातें सुनने के बाद शॉकिंगली वो अलागिनी को जिन को सौंपने बोलते हैं
और गांव वालों को सामने ये दिखाने बोलते हैं कि वो भाग गई है। बालचंद्रन हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसके फादर ने उसकी मॉम के साथ यही किया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बालचंद्रन जिन और पापा की बात मानकर अलागिनी से झूठ बोलता है कि फैक्ट्री में नुकसान होने के कारण वो एक पंडित जी से मिला, जहाँ उन्होंने बताया कि उन दोनों की शादी गलत टाइम में हुई थी, इसलिए दोबारा शादी करना होगा। अलागिनी बिना हिचकिचाए उनकी बात मान लेती है और दोनों अगले सुबह फैक्ट्री में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि अचानक दीवार में लटके उन दोनों का शादी का पिक नीचे गिर जाता है, जिससे अलागिनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। खैर, वो दोनों फैक्ट्री के ऑफिस में जाते हैं और बालचंद्रन कुछ सामान लेने के बहाने बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अलागिनी जिन का एक्सिस्टेंस महसूस करती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है कि इतने में उसके चारों तरफ आग का गोला बन जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में बालचंद्रन वापस आता है और अलागिनी में कैलाश के साथ इंटीमेट होने का विजन बताता है। इस पे अलागिनी याद दिलाती है कि उस रात बेड में थोड़ा खून भी था, आपने नोटिस किया था। तभी बालचंद्रन को एहसास होता है कि जिन ने उसे गलत विजन दिखाया, क्योंकि वो बालचंद्रन ही था जो अलागिनी के साथ इंटीमेट किया था। इन सब से बालचंद्रन गिल्ट में भर जाता है और अलागिनी को बचाने की कोशिश करता है, बट जिन ऐसा करने नहीं देता और उसका जलता हुआ रूप हमें दिखाई देता है एंड वो अलागिनी को लेके हमेशा के लिए चला जाता है। बालचंद्रन समवेयर अपने पिता के बातों में आकर ऐसा कदम उठाया था, इसलिए वो दुखी होकर उनके पास जाता है और उन्हें जान से मार डालता है, साथ ही वो भी फैक्ट्री में जाकर सुसाइड कर लेता है। एंड इसी के साथ हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां अजय की कहानी सुन के उसका एक दोस्त बोलता है कि विश्वास नहीं होता कि हमारे गांव में ऐसा हुआ है। इस पे अजय बोलता है कि तुम मानो ना मानो हम उसी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। ये सुनकर सब डरने लगते हैं और अजय का दूसरा दोस्त इन्फॉर्म करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, ऐसा उसे फील हो रहा है। ये कहते ही लाइट फ्लिकर होने लगते हैं और एट द एंड हम जिन को देखते हैं जो अलागिनी के बॉडी में था। फिल्म के एंड में हमें नरेटर सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर अजय को कहानी के बारे में कैसे पता, वो अपने दोस्तों को उसी फैक्ट्री में क्यों लेके आया, उसका क्या संबंध था इन सब से, और क्यों फैक्ट्री का नाम आदि लक्ष्मी था, प्लस आदि लक्ष्मी है कौन, और सबसे अहम सवाल आखिर जिन वहाँ कैसे आया और वापिस कैसे गया। इन सारे सवालों का जवाब मे भी हमें नेक्स्ट पार्ट में मिले और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।